सर। बोलो। निहान मैडम आपके और जिनब के बारे में मुझसे पूछ रही थी। मैंने उन्हें कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम्हें पता है? नहीं सर। अफसाने को कितना पता है? कुछ नहीं। आर यू श्योर? मैं कसम खाती हूँ, और उसे पता भी क्या होगा। अफसाने तो बस तुम्हारे गुड बुक्स में रहना चाहती है। उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? निहान पूछताछ कर रही थी। कल रात के बाद अगर उसे कुछ भी पता चला तो कोई वादा नहीं बचेगा। पर कोई परवर नहीं, ध्यान रखो। निहान तुमसे पूछने की कोशिश करेगी, अगर तुम पकड़ी गई तो अपना सामान पैक करके निकल जाना। इसे वापस ले लो। मैं जब तक जिंदा हूं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और तुम इस कंपनी के लिए बहुत जरूरी हो, और ये सच कभी नहीं बदलेगा। तुम जाओ या रहो। मिस्टर हकी, तुम्हें जो लिखना था तुमने इसमें लिख दिया है। अब तुम मुझे जवाब दो, मुझे रेजिग्नेशन मंजूर नहीं है। ये तुम्हारा घर है। तुमने जो पागलपन किया उससे हमें फायदा ही हुआ, ये तुम हमेशा याद रखना। तुमने सोचा है तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा? तुम गए और तुमने देख लिया। मैं चाहता हूं कि तुम काम पर वापस आ जाओ। पर मैंने अपना फैसला ले लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम यही रहो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये कंपनी मेरे अंकल के लिए बच्चे की तरह है। मैं चाहूंगी कि ऐसा कुछ ना हो जिससे उन्हें तकलीफ हो। तुम भी ऐसा ही करो। मैं वापस नहीं आ सकता। अमीर कॉस्को अब मेरा पार्टनर नहीं, हम साथ में काम नहीं करते। वो अब मेरा दुश्मन है। मैं अब कॉस्को नाम से जुड़े हर दरवाजे को बंद करना चाहता हूं, और करके रहूंगा। तुम्हारे गुस्से से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसे ताकत मिलेगी। तुम यहां रह के ये लड़ाई खुलकर लड़ सकते हो। मिस्टर हकी, ये सिर्फ मेरी लड़ाई है, मैं आपको इसमें नहीं घसीट सकता। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, तुम उन लोगों से दूर रहकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। अभी ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मानता हूं एमर तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन तुम आंसू को उन भेड़ियों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ रहो। अगर तुम ये नहीं मानोगे तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे दोस्त नहीं माना। ऐसा मत कहिए मिस्टर हकी। तो एक बात तो तय हो गई, तुम्हारी इस लड़ाई में हथियार भी चाहिए, और पार्टनरशिप वही हथियार है। एक तीर से 100 निशाने हैं। मैं करूंगा, और उसके बाद मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। मैं उनकी बर्बादी पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। तो फिर तुम्हारा पहला काम है उनकी होल्डिंग की मीटिंग अटेंड करना, और आंसू को कभी अकेला मत छोड़ना। वेलकम। तुम गए और जख्मी होकर लौटे हो, अब तुम बदला लेना चाहते हो। तो कल रात क्या हुआ, तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? कभी कभी तुम चाहकर भी कुछ चीजें छोड़ नहीं सकते। क्या सिर्फ बदला ही एक तरीका है? तो मैं अमीर से और कैसे लड़ूंगा? ये सब निहान को पाने के लिए है ना? नहीं, मेरी प्रॉब्लम अमीर है, और उसका गंदा खेल जो वो अपनी ताकत से चलाता है। बुरे लोग कभी जीतना नहीं चाहिए आंसू। जो उसने मेरे और मेरे परिवार के साथ किया उसका तो उसे हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। पर अगर तुम हार गए, तुम्हें कुछ हो गया तो?
ऐसी चीजें होती रहती है आंसू, मैं ये बात जानता हूं। मैं जानता हूं कि ये एक खेल है और मैं उसे जीतता हुआ नहीं देख सकता, पर वो जीत रहा है और मैं ये सब देख रहा हूं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नहीं। पर मुझे पहुंचा सकते हैं। कह रहे हो तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, पर अगर आमिर ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो वो मुझे पहुंचेगी। अगर ये सब निहान के लिए है तो बदला लेने के लिए और भी रास्ते हैं। उसे जेलस करो। एक प्यार करने वाली औरत जल्दी जेलस होती है, मुझे पता है, क्योंकि अगर प्यार सच्चा है तो वो पक्का तुमसे जेलस होगी। मेरा इस्तेमाल करो, वो परेशान होकर वापस आ जाएगी। पता है निहान ने ये फैसला दूसरी बार लिया है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो, निहान के साथ गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो आंसू? हमने एक समय पहले ये बात की थी कि हम थर्मल प्लांट के एरिया में एक स्कूल बनाएंगे, क्यों ना हम वो बनाते हैं। तो इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या मुझे ईंटें उठानी है? जहां बच्चे और आर्ट शामिल है, मुझे लगता है तुम अच्छा महसूस करोगी मेरी जान। तो ये स्कूल कहाँ बनेगा? पेलिन के पास सारी डिटेल है। तुम बिना किसी कारण के तो कुछ नहीं करते, तुम क्यों चाहते हो कि मैं ये काम करूं? और वो भी केमाल की कंपनी के साथ। केमाल की पुरानी कंपनी। केमाल अब वहां नहीं काम करता, तुम्हारे जाने के बाद उसने वहां से रिजाइन कर दिया है। तो क्या फैसला किया है? तो ये पूरी तरह से चैरिटी का काम है। पूरी तरह से? ठीक है, मैं करूंगी। तो चलो आओ, अपनी जिंदगी की पहली मीटिंग अटेंड करो। मैं अपना पर्स भूल गई, तुम चलो मैं भी आती हूं। मुझे मेरे कमरे में आना, निहान वहां नहीं होगी। ठीक है, बस एक बार पूछो क्यों, बस एक बार पूछो। मिस्टर केमाल, आप वापस फील्ड पर आ गए? बस अभी शुरुआत की है, सिर्फ हाथ मिला रहा हूं, दोस्त नहीं बन रहा। तेज दिमाग तेज सोचता है। हम शेड्यूल टाइम से पहले ही बहुत पीछे चल रहे हैं और हमें इसकी भरपाई करने के लिए जल्द से जल्द एक नया एक्शन प्लान बनाना होगा।
इससे पहले कि हम कॉम्पनसेशन की बात करें, मैं आपको मिलवाना चाहता हूं हमारे नए ट्रांसफर से, मेरी बीवी निहान कौसगुल। आर्ट डिपार्टमेंट संभालेंगी, जिसे हमने लिया था हमारा थर्मल प्लांट बनाने के लिए। यह तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। पर मैं किसी तरह का अटेंशन नहीं चाहती हूं। हमें बस मीटिंग शुरू करनी चाहिए। श्योर। तुम भूल गए। डार्लिंग, तुम शुरू करना चाहोगी? मैं कुछ कहना चाहूंगा। थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं ये जानना चाहूंगा कि मिसेज निहान कौसगुल सरनेम के अलावा किस लिहाज से स्कूल प्रोजेक्ट को लीड करेंगी। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। मुझे नहीं लगता इसे कौसगुल के अलावा कोई और संभाल सकता है। ये मेरा टॉप टू बॉटम अप्रोच है मिस्टर केमाल। मिसेज निहान इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी। मुझे ये मंजूर नहीं है। किसी ने तुम्हारा अप्रूवल मांगा ही नहीं। एमिर जी, स्कूल प्रोजेक्ट को साइड में रखते हैं क्योंकि हम भी ग्राउंड एरिया पर काम कर रहे हैं। किस कारण? ताकि ऐसा ना लगे कि हम किसी को रिश्वत दे रहे हैं। मुझे इस बारे में नहीं पता था। ऐसा कोई भी नहीं मानेगा। ऐसा रिस्क तो हर जगह पे रहता है, चाहे या निहान इस प्रोजेक्ट को लीड करे भी या ना करे। ये स्कूल कौसगो के बिहाफ पर बन रही है और तुम्हारी वाइफ इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है, फिर तुम हमारी तरफ से ऑडिट तो बिल्कुल नहीं चाहोगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जबकि ये जॉब इतनी सेंसिटिव है तो हमें इसे डिपेंडेंट रखना चाहिए। मैं मिस्टर केमाल से सहमत हूँ। डिसीजन हो गया है, पता नहीं आप लोग डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं सच्चाई जानना चाहूंगा। तुम ये चैरिटी का काम क्यों कर रहे हो? ऐसी कौन सी इलीगल चीज है जो तुम छुपाना चाहते हो? मिस्टर केमाल, मुझे नहीं लगता तुम्हारे इस एटीट्यूड से हम आगे बढ़ पाएंगे। आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। And I'm sure आप लोग ये मानते भी हैं। तुम गलत कह रहे हो। इसके अलावा किसी और को भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस स्कूल का फाइनेंशियली कौसगुल कंपनी के साथ कोई नाता नहीं है। डार्लिंग, तुम्हें ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट मेरे मैनेजमेंट में पूरा होगा। ये चैरिटी वर्क थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट्स में अलग है, तो इस प्रोजेक्ट की सारी फाइनेंशियल और दूसरी जिम्मेदारियां मेरी हैं। जैसा कि मैं आप सबको बता रही हूं, इसमें एक पैसा भी कौसगुल होल्डिंग से नहीं आएगा। I'm really sorry, पर आपकी बात से कुछ साबित नहीं होता। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत से बच्चों के सपने पूरे नहीं हो सकते। मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है। मैं वो स्कूल बनाऊंगी। पेंटिंग्स बेचकर बनाएंगी? अगर वो भी करना पड़े तो भी। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती, पर ये सब सुनकर सच जैसा नहीं लग रहा। निहान अपनी पहली मीटिंग समझकर थोड़ी एक्साइटेड हो रही है। मेरा मतलब है, तुम्हें थोड़ा ध्यान से सोचकर प्रॉमिस करना चाहिए। नहीं, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी, और ये एक ही चीज है जो इस प्रोजेक्ट के लिए ही चाहिए। आप लोगों को इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं है, पर तुम ये नहीं कर पाओगी। मैं ये करके दिखाऊंगी। निहान को उस गोल आगे रहेगी। मिस आसू, अभी तक आपकी टीम ने इस पर जो भी स्टडीज की है, मैं वो देखना चाहूंगी। जरूर, अगर आप चाहेंगी तो मैं कल आपको एक टूर करवा दूंगी। मुझे खुशी होगी। तुम्हें धूल मिट्टी वाली जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, इसका उल्टा है। मुझे उस मीटिंग में जाना ही होगा। उन्हें बताना होगा कि मैं किस काबिल हूं, और कौसगुल के नाम पे कुछ नहीं हो सकता है आगे। मुझे उम्मीद है कि समाज की जीत होगी। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है जो मेरा काम था वो मैंने इस मीटिंग में कर दिया है। एक्सक्यूज मी।
पेलिन, क्या तुम मुझे वो सारे स्कूल की स्टडीज जो प्लान की गई हैं हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए, प्लीज उसे लेके आ जाओगी एमिर के रूम में? ठीक है मैम। मेरी डार्लिंग ने काम शुरू भी कर दिया। तुमने मुझे बताया नहीं कि केमाल इन सब से जुड़ा हुआ है। ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। ऐसे ही रहना, हम दोनों जल्दी से फोटोज लेंगे। इस काम से बाहर निकलने की सोचना भी मत। अगर तुम सोच रही हो कि केमाल की वजह से मैं तुम्हें निकाल दूंगा तो तुम गलत सोच रही हो। तुम इस प्रोजेक्ट को जरूर पूरा करोगी। क्या एमिर सच में इस स्कूल प्रोजेक्ट को चीजें छुपाने के लिए यूज करेगा? देखिए, वो कुछ भी कर सकता है, हमें संभल कर रहना चाहिए। ओहो, अब ये सब तो रोज का हो गया है। अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलते हैं। गुड बाय लैला। बाद में मिलते हैं। तुम्हें डर नहीं हम एक साथ काम कर रहे हैं? तुम केमाल की दुखती रग हो। तुमने मीटिंग में उसकी आंखों में दर्द नहीं देखा? वो ऐसा था जैसे बिना दवाई की बीमारी। उसे और बुरा लगेगा जब वो रोज तुम्हें मेरे साथ देखेगा। मैं उसे हमेशा हराऊंगा। मुझे केमाल के साथ काम नहीं करना। वहां मीटिंग रूम में तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट थी। अब वो एम्बिशियस औरत कहां चली गई? इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही थी। क्या हुआ उन बातों का निहान? एमिर, वो बात नहीं है। तुम भी ये बात जानते हो, मैं केमाल के खिलाफ तुम्हारा हथियार नहीं बनूंगी, समझे? तुम पहले ही बन चुकी हो, क्योंकि ये तुम्हारे किस्मत में था। और केमाल अपनी बिल से बाहर नहीं आएगा तो तुम दोनों का सामना कैसे होगा? मुझे फोर्स मत करो, मैं नहीं कर सकती। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ निहान, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें ये करना ही होगा। तुम मेरे पास जबरदस्ती आए हो एमिर, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं परेशान होकर केमाल को सब कुछ बता दूंगी? तुम केमाल को कुछ नहीं बता सकती। मैं उसे मार दूंगा, तुम्हें पता है ना? तुम केमाल से बहुत प्यार करती हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हो, पर मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अब केमाल को कोई आस नहीं है कि तुम दोनों फिर से एक हो सकते हो। वो इस दर्द से सब समझ जाएगा। फिर मैं उसे उसी देश में भेज दूंगा जहां से वो आया है। इससे अच्छा बदला और क्या हो सकता है? डार्लिंग, मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम अपने मन को इधर उधर मत घुमाओ। जैसा चलता है वैसा चलने दो। तुम अपना सारा ध्यान अपने काम पे लगाओ। और तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में प्यार नहीं दुश्मनी है। कुछ भी हो, ये सब मैं खत्म करूंगी। अब से मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। डार्लिंग, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज रात हम टैबलॉइड प्रेस में होंगे। मेरे लिए थोड़ी सुंदर बन के आना, ठीक है? निहान, तुमने केमाल को मना ही लिया। मुझे खुशी है, पर बहुत हो गया। केमाल के साथ काम मत करो, इससे चीजें खराब हो जाएंगी। एमिर चाहता है कि मैं करूं। एक्चुअली मैं भी चाहती हूं कि ये स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा हो। मैं भी किसी चीज को जीतना चाहती हूं। मैं विक्टिम बन बन के थक गई हूं। मुझे भी खुद को अब साबित करना है। तुम्हें बार बार केमाल का सामना करना होगा। ये इतना भी बुरा नहीं है, ये सोचकर मैं पागल नहीं होना चाहती हूं। तुम एक दूसरे से झगड़ो, बस यही तो एमिर चाहता है। तुम्हें वापस कैसे मिली? इसे ज़ैनब लेकर आई। बड़ा ही खतरनाक काम किया है उसने। ठीक है, सॉरी बॉस, आप अपनी बहन को इग्नोर नहीं कर सकते, पर उन्होंने बहुत ही गलत किया और ये सच है, और तुम्हें इस चीज को जाने देना चाहिए। देखिए, अगर आप अब से ये नहीं भूले तो आपका दिल कभी साफ नहीं होगा और आपकी पूरी जिंदगी में जहर फैल जाएगा, और ये ऐसा जहर होगा जो ना जीने देगा ना ही मरने।
क्या इसीलिए लोग तुम्हें जहर कहते हैं? तुमने अपनी पूरी जिंदगी जहर में ही जी है। मैं भी एक तरह का जहर ही हूं उन लोगों के लिए जिनसे मैं बहुत प्यार करता था। देखो भाई, निहान अब उस राक्षस के साथ है तो बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। मैं पहले ही भूल चुका हूं। मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। क्या ऑफर है? तुम प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे? मैं कुछ समझा नहीं। मैं कंपनी बनाता हूं और तुम उस कंपनी को चलाना। एमिर को यह समझ नहीं आएगा कि वो कंपनी मेरी है और तुम उसे चलाना। पर किस लिए? एक बड़े टेंडर के लिए। तो आप उस टेंडर में बोली लगाओगे? बिल्कुल सही। तो क्या तुम मेरे साथ हो? इंश्योरेंस कवरेज तो दोगे ना? कोई पूछने की बात है? तुम किसी चीज का इंतजार कर रही हो? नहीं। तो तुम रात भर इसे क्यों देख रही थी? नहीं, बस तुम्हारे साथ टाइम का पता नहीं चलता है मुझे। क्या हम तुम्हारे कमरे में रहने वाले हैं? रात भर तुम वहीं खड़ी रहोगी? तो जब तुमने एक ही कमरे में सोने को कहा था तो तुमने क्या एक्सपेक्ट कर लिया? कि तुमने हार मान ली है? नहीं, कभी नहीं। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं अपनी पलक भी नहीं झपका सकती। क्या हमें फिर से शुरू करना होगा? इससे किसी को भी तकलीफ नहीं होगी जब उन्हें पता चलेगा कि हम कुछ टाइम के लिए अपने रूम में सो रहे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमसे अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर तुम खुद को मुझे एक बार सौंप दो तो, सिर्फ एक बार। इस रूम में सजावट का कोई काम करना है ये मैं बाहर बोल दूंगी, तुम भी यही बोलना। मेरी बीवी कितनी समझदार है। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। निकलो, निहान ने जाल बिछाया है। क्या? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूंगी? We'll be right back.
स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा अपने कमरे में इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं थोड़ी हवा खाने आई थी। कुछ समझा नहीं? ये बात तुम दोनों पहले ही समझ गए थे। मुझे सच में नहीं समझ आया। कहाँ हो तुम? बस बहुत हो गया तुम्हारा। I'm sorry, really sorry. मैं तुम्हारी वजह से निहान को नहीं खो सकता। मुझे मैसेज मिला था, मुझे तुम्हारी फोन से मैसेज मिला था। आज के बाद तुम इस कमरे में कदम भी नहीं रखोगी, समझी? और मुझसे कांटेक्ट भी नहीं करोगी। तुम्हें बहुत मौके मिले हैं और ये आखिरी मौका था। मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना, प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मामा ज़ैनब डॉक्टर के पास गए हैं, पापा बाहर गए हुए हैं। तुम क्यों नहीं गए उनके साथ? मैं बहुत टेंशन लेना नहीं चाहता। कल रात की टेंशन के बाद तो मेरा सर अभी भी दर्द से फट रहा है। ज़ैनब हैंडल कर लेगी। उज़ान, तुम कितनी फिक्र करते हो ये देख कर मुझे अच्छा लगा। तुम्हें क्या लगता है एमिर, अगर हमारा बच्चा होता तो मैं उज़ान को बताता एक अच्छा पिता कैसे बनते हैं? तुमने पहले ही बता दिया है कि तुम कितने अच्छे पति बन सकते हो, इतना ही काफी है। इस बहस से आप दोनों में प्यार तो बढ़ेगा नहीं, या फिर बढ़ेगा? आप लोगों को बैठ के आराम से बात करनी चाहिए। हमारा प्यार एक तरफा है उज़ान, तुम बिना शामिल हुए उससे छुटकारा नहीं पा सकते। पहला मौका मिलते ही शायद तुम्हें इससे छुटकारा पाने के बजाय इसे खत्म कर देना चाहिए, जैसे ही तुम्हें कोई बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। अगर तुम खत्म करना चाहती हो तो माय डियर वाइफ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपनी स्टडी से कुछ लेकर आता हूं, फिर हम ऑफिस साथ में चलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो क्या आप तुम दोनों एक ही रूम में रहने लगे हो? माफ करना, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था। नहीं, इसमें और किसी का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, हमारे कमरे अभी भी अलग अलग है, पर इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है।
मैं तुमसे एक बात पूछूं, मैं जल्द से जल्द अपनी पेटर्निटी टेस्ट कब करवा सकता हूं? क्या ये 9 महीने से पहले नहीं हो सकता? एक्चुअली सर, मैं सोच रहा था आपको मुझसे क्या बात करनी है। मुझे लगता है कि मिसेज आसू ने आपसे बात कर ली है। क्या आपने मुझे यहां पर मेरी माँ के बारे में बात करने के लिए बुलाया? मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। मैंने आसू से बात की थी, पर किसी और चीज के बारे में। मैं तुम्हारे साथ इस बदले के बारे में बात नहीं करना चाहता। आपका क्या मतलब है सर? क्या मैंने कोई गलती की है? तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है? तो इतने सालों के बाद आप मुझ पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? आसू ने तुम्हें निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। आसू चाहती है कि तुम चले जाओ, पर मुझे लगता है ये इमोशनल डिसीजन है। तुम्हें अपनी फीलिंग भूलनी पड़ेगी, जबकि तुम बदला ले रहे हो। अगर तुम भी ऐसा ही सोचते हो। मुझे मंजूर है सर, मुझे मंजूर है। मेरे पास आपके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी, वो भी आंसू के सामने। जो भी करोगे आंसू के लिए करोगे, और तुम्हारी सारी वफादारी आंसू के लिए होगी। मिस्टर एमर, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। हाँ सर, बोलिए। तुमने एक बार बानू का कुछ किया था, याद है ना तुम्हें? तुमने उस वक्त मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। हाँ सर, मुझे याद है। और मुझे उम्मीद है अब भी तुम वैसा ही करोगे ज़ैनब के साथ। मिसेस ज़ैनब? वही डॉक्टर अरेंज कराओ। तुम ज़ैनब को उसके पास ले जाओ, और ये करने का प्लान भी तुम ही बनाओ।